मीरा एक छोटे से शहर में रहती थी। एक स्कूल में टीचर थी। बच्चों से उसे बहुत प्यार था। मीरा की लाइफ सिंपल थी। हर दिन स्कूल जाती, बच्चों को पढ़ाती, शाम को घर आकर अपने गार्डन में टाइम बिताती। उसे किताबें पढ़ने का भी शौक था। मीरा के पेरेंट्स नहीं थे, वह अपनी दादी के साथ रहती थी। दादी उसकी सबसे अच्छी फ्रेंड थी। दोनों में बहुत प्यार था। मीरा को लाइफ में किसी चीज की कमी नहीं थी, फिर भी उसे अपने जीवन में कुछ अधूरा सा लगता था। आरव एक बड़े शहर का एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन था। वह अपने काम में बहुत क्लेवर था। आरव हमेशा बिजी रहता था। उसके पास रिलेशनशिप्स के लिए टाइम नहीं था। आरव को लव पर विश्वास नहीं था। उसका मानना था कि प्यार बस एक धोखा है। काम के सिलसिले में आरव को मीरा के शहर आना पड़ा। वह कुछ दिनों के लिए यहाँ रुका था। आरव को यह शहर बहुत शांत और सुंदर लगा। यहाँ की सादगी ने उसका मन मोह लिया। एक दिन आरव पार्क में घूम रहा था, तभी उसकी नजर मीरा पर पड़ी। मीरा बच्चों को स्टोरी सुना रही थी। आरव कुछ देर के लिए वहीं रुक गया। उसे मीरा की आवाज बहुत अच्छी लगी। अगले दिन आरव फिर से पार्क में गया। इस बार भी मीरा वहां थी। आरव ने हिम्मत करके उससे बात की। दोनों ने एक दूसरे को अपना नाम बताया। आरव और मीरा की मुलाकातें अब रोज होने लगी थी। दोनों पार्क में घंटों बातें करते थे। आरव को मीरा की सादगी और मासूमियत बहुत पसंद आई। मीरा भी आरव के साथ कंफर्टेबल फील करने लगी थी। धीरे धीरे आरव और मीरा में दोस्ती हो गई। वे एक दूसरे के सुख दुख शेयर करने लगे। आरव को मीरा के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता था। उसे एहसास हुआ कि वह मीरा की तरफ अट्रैक्टेड हो रहा है। आरव काम में बहुत बिजी रहता था, इस वजह से वह मीरा को ज्यादा टाइम नहीं दे पाता था। मीरा को आरव की व्यस्तता बुरी लगने लगी। उसे लगता था कि आरव उसे इग्नोर कर रहा है। एक दिन आरव को अचानक काम के सिलसिले में शहर से बाहर जाना पड़ा। वह मीरा को बताना भूल गया। मीरा को बहुत बुरा लगा। उसे लगा कि आरव ने उसे जानबूझकर नहीं बताया। जब आरव वापस लौटा तो मीरा ने उससे बात नहीं की। आरव को समझ नहीं आ रहा था कि मीरा उससे नाराज क्यों है। उसने मीरा से बात करने की कोशिश की, लेकिन मीरा ने उसकी एक न सुनी। मीरा को लगने लगा था कि आरव उसके साथ सिर्फ टाइम पास कर रहा था। उसे आरव के प्यार पर डाउट होने लगा था। वह नहीं चाहती थी कि उसका दिल टूटे। आरव को जब मीरा की नाराजगी का कारण पता चला तो उसे बहुत पछतावा हुआ। उसे एहसास हुआ कि उसने मीरा को अनजाने में ही बहुत दुखी किया है। वह अपनी गलती मानता था। आरव ने मीरा से माफी मांगने का फैसला किया। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।